गाजियाबाद के साहिबाबाद पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। तीनों लोगों पर मकान में चोरी का आरोप लगाया। 3 लोगों के पास से 50,000 रुपए, 2,000 ताला तोड़ने वाले, एक कार चोरी वाली और एक चाकू किया बरामद। तीनों चोरों के पिछले दिनों डॉक्टर पवन चौहान के यहां चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम शाबिर, दीपक और सोनू बताया जा रहा है। थाना साहिबाबाद क्षेत्र में लाजपत नगर में अगस्त माह में एक चोरी हुई थी। डॉक्टर उपवन चौहान हैं। डॉक्टर साहब के उसमें एक 4-व्हीलर और कुछ कैश और बड़े बड़े मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह उनके चले गए थे। तो इसमें 3 चोर आज थाना साहिबाबाद की पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और लीगल एक्शन लेते हुए जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से जो बरामदगी हुई है, करीब 12 लाख कीमत का इंस्ट्रूमेंट है डॉक्टर साहब का, और 50,000 रुपये कैश, और काफ़ी बड़े बड़े औजार हैं जो ये यूज करते हुए और चोरी में यूज करते थे इन औजारों को, और इनके पास से और कई सामान मिले हैं। इनकी जो गाड़ी चोरी गई थी वो भी बरामद हुई है। इनका मोडस अपरेंडी ये था कि ये घूमने फिरने के शौकीन थे और यहाँ से आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा जैसे राज्यों में जाके वहाँ मौज मस्ती करते थे और वहाँ भी चोरी करते थे कि जिससे इनकी पहचान ना हो सके। और इस मामले में भी जो पता किया जा रहा है, तो ये कुछ दिन पहले इनमें से 2 चोर हैदराबाद की जेल से छूट के आए थे और वापी गुजरात से भी जेल जा चुके हैं। क्या आपराधिक इतिहास है, लगभग कितनी वारदातों को अंजाम दे चुके थे अभी तक? अभी तक जो पता चला है उसमें करीब 7-8 मुकदमों से ज़्यादा पता चल चुका है इनका, बाकी और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पता लगाया जा रहा है।